हर रोज हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी की खबर आती है। सरकारें कड़े एक्शन का वादा तो करती हैं, पर कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान गुरुवार का दिन यूपी में महिलाओं के लिए खास रहा। यूपी सरकार ने सदन में सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पेश किया, जिसके बाद अब गंभीर महिला अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सरकार ने गंभीर आरोपों में जमानत के प्रावधान खत्म कर दिए हैं। बीते दिनों महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद सरकार के इस कदम को बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक के अलावा दो और विधेयक विधानसभा में पेश किए गए। अग्रिम जमानत नहीं मिलने के अलावा विधेयक में कुछ मामलों में सजा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इस दौरान यूपी लोकपाल प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी अमेंडमेंट बिल भी पेश हुआ। यूपी विधानसभा में गुरुवार का दिन महिला विधायकों के लिए और भी खास था। आज उन्हें खास तौर पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। इस दौरान महिला विधायकों को कम से कम 3 मिनट का समय दिया गया था। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने महिला अपराध के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने तक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसको हमने काफी सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को जोड़ना, अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय गांव की महिला स्वयं सेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी में मैं प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 35,000 से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सुल्तानपुर की तो एक बहन ऐसी है जो इसमें 3 लाख रुपए सालाना कमा भी रही है, स्वयं का इनकम कर रही है 3 लाख रुपए सालाना। महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे सामने। खैर, आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।